हेलो एवरीवन, वेलकम टू यूपीएससी लाइफ। आप सभी का स्वागत है अपने सोशियोलॉजी ऑप्शनल के कोर्स में। आज से हम लोग यूनिट 5 की शुरुआत कर रहे हैं। यूनिट 4 जो है हम लोगों ने लास्ट वीडियो में कंप्लीट कर लिया था। यूनिट 5 जो है हमारे सोशियोलॉजी ऑप्शनल के पेपर 1 का सेकेंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट चैप्टर है। जिस तरीके से पहला चैप्टर मैंने आपको बताया था कि जो समाजशास्त्रीय चिंतक हैं वो महत्वपूर्ण हैं, ठीक उनके बाद जो है यह जो यूनिट 5 है सामाजिक स्तरीकरण, यह जो यूनिट है आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही महत्वपूर्ण है। अगर आपको 300 प्लस स्कोर करना है तो आपको इस चैप्टर को बहुत अच्छे से समझना होगा। जिस भी स्टूडेंट को यूनिट 4 में कोई भी डाउट होगा वो मुझे मेरे व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज कर सकता है और उसके ऊपर आने वाले समय में डाउट क्लियरिंग सेशन भी हम लोग रखेंगे। तो जब आपके ज़्यादा डाउट्स हो जाएंगे तो उसके ऊपर एक लाइव सेशन रख दिया जाएगा ताकि आपकी जो भी डाउट्स हैं वो क्लियर कर दिया जाए। और हमारा उद्देश्य है कि जल्द से जल्द आपका ऑप्शनल कंप्लीट करने के बाद जो है हम लोग आंसर राइटिंग पर फोकस कर सकें। तो बिना देर किए हुए जो है हम लोग यूनिट 5 को शुरू करते हैं। और आज के वीडियो में हम लोग जो है सामाजिक स्तरीकरण को जानने के साथ साथ विभेदीकरण को भी जानेंगे कि ये जो सामाजिक स्तरीकरण है और उसमें जो विभेदीकरण हम लोग पढ़ते हैं यह किस प्रकार से अलग है, उसकी जो असमानताएं हैं उसे भी जानेंगे कि समाज में जो सामाजिक स्तरीकरण है यानी कि सोशल स्ट्रेटिफिकेशन है वो वास्तव में कब आया, इसका उद्देश्य क्या है और यह प्रक्रिया क्या है, इसे हम लोग सविस्तार जानेंगे। तो जब भी हम लोग सोशियोलॉजी पढ़ते हैं, समाजशास्त्र का अध्ययन करते हैं तो ये बात उभर कर आती है कि ये जो सामाजिक स्तरीकरण का कॉन्सेप्ट है ये 1940 के आसपास आया, यानी कि 1940 से पहले जो है ये जो विचारधारा थी, ये जो कॉन्सेप्ट था, ये अस्तित्व में नहीं था। ये वही युग है जब प्रथम युद्ध समाप्त हो गया है और द्वितीय विश्व युद्ध जो है प्रारंभ हो चुका है। तो ये वही दौर है द्वितीय विश्व युद्ध के आसपास जो है हम लोग चल रहे हैं और वहाँ पर समाज में किस तरीके से परिवर्तन हो रहा है, औद्योगिकीकरण है, पश्चिमीकरण है और उसके द्वारा जो है समाज जो है कई स्तरों में बट गया है, स्तर यानी कि लेयर, और उसी के अनुसार जो है सामाजिक असमानता जो है उभर कर आई। यानी कि पहले सामाजिक असमानता थी और फिर जो है सामाजिक स्तरीकरण आया। यानी कि अगर असमानता नहीं आती तो क्या हम लेयर में डिवीजन करते, क्या स्तर हम बना पाते? कहते नहीं कि प्रारंभिक स्तर, द्वितीय स्तर, तृतीय स्तर, ये हम लोगों ने जनरली पढ़ा है ना। तो ये असमानता ही जो है वो लेयर बनाती है, सामाजिक स्तरीकरण का निर्माण करती है। यानी कि उस समय समाज में बहुत ज्यादा असमानताएं थी, कभी नस्ल के आधार पर होगी तो कभी जाति के आधार पर देखने को मिलेगी तो कभी धर्म के आधार पर मिलेगी, और ये आज भी हमारे समाज में जो है ये असमानता देखने को मिलती है। लेकिन अगर पूछा जाए कि सरल भाषा में कि सामाजिक स्तरीकरण कैसी व्यवस्था है, तो यह वह व्यवस्था है जो समाज के विभिन्न स्तरों में विभक्त करके सामाजिक जीवन को व्यवस्थित बनाने का प्रयास करती है। यानी कि समाज जो है कई स्तरों में विभक्त हो जाएगा, जैसे जाति के आधार पर विभक्त हो जाएगा, धर्म के आधार पर हो जाएगा, नस्ल के आधार पर हो जाएगा, कार्य के आधार पर हो जाएगा, है ना, और क्या हो जाएगा, शक्ति के आधार पर हो जाएगा। जैसे कि आपने देखा नहीं है कि ब्यूरोक्रेट्स का एक अलग ग्रुप होता है, पॉलिटिशियंस का अपना अलग ग्रुप होता है। जैसे कि आप अगर आईएएस ऑफिसर बनेंगे तो आपका एक इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस जो है एसोसिएशन है, यानी कि आपका एक स्तर है, आपका एक ग्रुप है, आप उसमें बन जाएंगे। यानी कि यहाँ पर जो है सामाजिक स्तरीकरण वही व्यवस्था है जहाँ पर विभिन्न स्तरों में लोग जो है विभक्त हो जाते हैं और उस तरीके का जीवन प्रारंभ कर देते हैं। जैसे कि आप आईएएस ऑफिसर बन जाएंगे तो क्या होगा, आप एक आईएएस ऑफिसर जैसा व्यवहार करता है उस तरीके से आप व्यवहार करने की कोशिश करेंगे। आप पहले सामान्य व्यक्ति थे लेकिन अब आप उनकी तरह व्यवहार कर रहे हैं जो आप जिस समूह में प्रवेश कर चुके हैं। ठीक है, एक दूसरा एग्जाम्पल राजनेता का,
राजनेता बनने के बाद आपकी जो सुरक्षा है वो किस तरीके से बढ़ जाती है। हर व्यक्ति आपसे नहीं मिल सकता, हो सके आपकी पदवी की वजह से कोई आपकी हत्या कर दे। तो यानी कि बहुत सारे जीवन पद्धति बदल जाती है, यानी कि समूह के साथ जो है रहन सहन भी बदल जाता है। अभी आप बेरोजगार हैं, फिर आपकी अगर सरकारी नौकरी लग जाएगी तो आप किस में आएंगे, किस श्रेणी में? सरकारी नौकरी की, सरकारी नौकर की श्रेणी में आ जाएंगे। फिर क्या है, आप अगर अविवाहित हैं तो आपको दहेज अच्छा मिलेगा, और वहीं पर आप बेरोजगार थे तो दहेज क्या मिल रहा था? अच्छा नहीं मिल रहा था, ना दहेज अच्छा मिल रहा था, ना लड़की अच्छी मिल रही थी। यानी कि आपका स्तर जो है बेरोजगारी की वजह से जो है वो खराब हो गया था। आप बेरोजगारी के स्तर में थे तो आपका जीवन भी बेरोजगारों की तरह था, लेकिन जैसे ही आपने सरकारी नौकरी प्राप्त कर ली तो आपको क्या है, दहेज भी अच्छा मिलेगा और लड़की भी अच्छी मिलेगी। यानी कि आपका स्तर कैसा हो गया, सरकारी नौकरी वाला, और क्वालिटी क्या हो गई, दहेज अच्छी वाली और लड़की भी अच्छी वाली। ठीक उसी प्रकार से लड़कों के लिए भी है कि लड़की अगर अच्छी पढ़ाई करेगी, अच्छी नौकरी होगी तो उसे भी अच्छा लड़का मिलेगा। और हर व्यक्ति जो है चाहता है कि उसका अच्छा जीवन साथी हो, चाहे वो लड़की हो या लड़का हो। तो जिस तरीके से सामाजिक जीवन को व्यवस्थित करने का प्रयास करती है सामाजिक स्तरीकरण, ठीक उसी प्रकार से जो सामाजिक विभेदीकरण है वो जो है वो असमानता को दर्शाती है, उसे अभी हम लोग डिस्कस करेंगे। एक दूसरी परिभाषा भी जान लीजिए, क्योंकि आपको एक ही परिभाषा के साथ जो है ऑप्शनल तो लिखना नहीं है, ऑप्शनल को सविस्तार समझते हुए आपको लिखना है। सामाजिक स्तरीकरण वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा समाज में व्यक्ति शक्ति, संपत्ति, सामाजिक मूल्यांकन और मानसिक संतुष्टि के दृष्टि से असमान सामाजिक समूहों या समुदायों को क्रमबद्ध रूप से व्यवस्थित किया जाता है। यानी कि यहाँ पर व्यक्ति जो है, जैसे कि आपने देखा होगा कि अस्पताल बहुत कई तरीके के होते हैं, कि जैसे कि यहाँ पर मस्तिष्क का अलग, यानी कि सिर की अगर कोई प्रॉब्लम है तो मस्तिष्क वाला डॉक्टर अलग होगा, हड्डी वाला डॉक्टर अलग होगा, नाक वाला डॉक्टर अलग होगा, कान वाला डॉक्टर अलग होगा, यानी कि इन लोगों का अलग कैटेगराइजेशन है। ये इनकी अपनी अलग अलग शक्ति है, अलग अलग अपना इनका कार्य क्षेत्र है, और उस आधार पर जो है इनका विभेदीकरण किया गया है, इनका स्तर बनाया गया है ना, कि अब इनके पास वही व्यक्ति जाएगा जिसको सर की प्रॉब्लम होगी। अब जैसे कि बहुत सारे अस्पताल होते हैं लेकिन वो मानसिक होते हैं, मानसिक अस्पताल भी होते हैं, जिनका मानसिक स्थिति अच्छी नहीं है वो मानसिक अस्पताल में जाएंगे। यानी कि जो स्त्रीकरण है, ये जो सामाजिक विभेदीकरण है, वह किस प्रकार से जो है सामाजिक मूल्यांकन और शक्ति और संपत्ति के आधार पर बटे होते हैं। जैसे कि लोग कहते हैं ना कि लोअर क्लास है, मिडिल क्लास है, लो मिडिल क्लास फैमिली है, तो ये किस आधार पर डिवीजन हुआ? आय के आधार पर, संपत्ति के आधार पर डिवीजन हुआ। अब जैसे कि दूसरा जो डिवीजन हुआ है, अब जाति के आधार पर हमारे भारतीय समाज में जो डिवीजन हुआ है वो किस आधार पर है? वो इसी आधार पे है ना। तो यानी कि जो स्तर है, ये जो समुदायों का विभाजन है, वो किस आधार पर देखने को मिलता है? शक्ति, संपत्ति और सामाजिक मूल्यांकन के आधार पर। अब जैसे कि हम अपने दोस्त किस आधार पे बनाते हैं? अपनी चॉइस के आधार पर, अपने रहन सहन के आधार पर, अपने विचार के आधार पर। तो ठीक उसी स्तर से जो है समाजीकरण की व्यवस्था है, जहाँ पर लोग जो है विभिन्न व्यवस्थाओं, विभिन्न क्वालिटी, विभिन्न गुणवत्ताओं के आधार पर जो है व्यवस्थित होते हैं। अब कुछ विशेषताओं के ऊपर भी जान लीजिए, क्योंकि विशेषता नहीं जानेंगे तो आप मेंस में आंसर कैसे लिखेंगे। तो इस बात को ध्यान में रखते हुए कुछ विशेषताओं पर भी फोकस कर लेते हैं। यह एक सार्वभौमिक प्रक्रिया है, यानी कि ये एक यूनिवर्सल प्रोसेस है, जहाँ पर विश्व के प्रत्येक समाज में और सामाजिक विकास के लगभग प्रत्येक स्तर पर या किसी न किसी रूप से अवश्य पाया जाता है। जैसे कि इंडिया में क्या होता है, जातिगत भेदभाव देखने को मिलता है, लेकिन वहीं लैटिन अमेरिकी देश में क्या होगा, नस्ल के आधार पर गोरे काले का भेदभाव देखने को मिलता है, यानी कि स्तर वहाँ पर बटा हुआ है। जैसे वहाँ का समाज है पूंजीवाद और यहाँ का है समाजवाद, वहाँ पर लोग जो है सिर्फ पैसे के पीछे भागते हैं और यहाँ पर सिर्फ प्यार के पीछे। यानी कि यहाँ पर जो स्तर है वो समय के साथ
और भौगोलिक स्थिति के अनुसार बदलता रहता है। वही बात ये कहते हैं कि हर देश में सामाजिक स्तरीकरण का कॉन्सेप्ट है, लेकिन वो अलग-अलग रहता है, हर देश में अलग, हर समाज में अलग-अलग, यानी कि एक जैसा नहीं हो सकता है, एक जैसा बिल्कुल भी नहीं होगा। सामाजिक स्तरीकरण के फलस्वरूप जो है सामाजिक असमानता देखने को मिलती है। अब भाई लोगों का स्तर अलग है, कि ये डॉक्टर का ग्रुप है तो ये लोग डॉक्टर वाले जो है अलग। आप देखते हैं कि जब जज के यहाँ पार्टी होती है तो लोग कौन आते हैं, वकील और जज ही आते हैं, और उनका रहन सहन अलग होता है। एक आईएएस ऑफिसर और एक पॉलिटिकल पार्टी भी होती है, अलग अलग डिफरेंस होगा, होगा ना। यानी कि ये कहता है कि जो सामाजिक स्तरीकरण है वह पूरी तरह से सामाजिक असमानता को प्रस्तुत भी करता है, यानी कि जहाँ स्तरीकरण है वहाँ पर असमानता है। बिल्कुल सही बात है, जब लोगों का ग्रुप बढ़ जाएगा तो क्या होगा, असमानता देखने को मिलेगी। जैसे कि हम लोग यूपीएससी की तैयारी करते हैं तो क्या एसएससी वालों को हल्को में लेते हैं, अरे यार हम तो आईएएस बनने वाले हैं, एसएससी छोड़ो हटाओ, इन लोगों से कोई मतलब नहीं रखना क्योंकि ये हमारे लायक है ही नहीं, क्योंकि इनको मैथ रीजनिंग आती है और हमको मैथ रीजनिंग की नहीं जीएस की ज़रूरत है। तो इस तरीके से जो है असमानता होती है, भले ही हमारा एसएससी वाला दोस्त अच्छा हो लेकिन हम उससे ज़्यादा मतलब नहीं रखते। अगर वहीं मेरा एक दोस्त होगा जिससे मेरी कम बोल चले लेकिन वो यूपीएससी की तैयारी करता है तो उससे क्या होगा, मेरी अच्छी दोस्ती हो जाएगी। यही तो असमानता को बढ़ा रहा है, यही मान सम्मान को बढ़ाएगा। एक आईएएस ऑफिसर मेरा दोस्त है और मैं भी एक आईएएस ऑफिसर हूँ, और एक मेरा दूसरा दोस्त है वो वकील है, तो मेरा जो है किससे ज़्यादा व्यवहार होगा, आईएएस ऑफिसर से, क्योंकि ये मेरे ही क्षेत्र से है। यानी कि स्तर जो है वो असमानता को बढ़ाता है, लेकिन इसमें अपवाद भी है, दिल से दिल मिलने चाहिए, तो वो अपवादों के ऊपर हम लोग नहीं जाएंगे, ठीक है। सामाजिक स्तरीकरण की जो प्रकृति है वो सामाजिक है, यानी कि सब कुछ समाज के ऊपर डिपेंड करेगा। यानी कि भारतीय समाज में जो है अलग स्थिति होगी स्तरीकरण की, पश्चिमी समाज में अलग होगी, यानी कि जो समाज है वो डिसाइड करेगा कि स्तरीकरण की क्या प्रकृति होगी। अर्थात सामाजिक स्तरीकरण व्यक्तियों तक सीमित नहीं है, इससे पूरे समाज की भूमिका आपको देखना चाहिए, यानी कि इससे जो है पूरे समाज के बारे में पता चलता है कि वह भारतीय समाज कैसा है और पश्चिमी समाज कैसा है। जैसे कि क्या होता है कि हम लोगों की मानसिकता क्या है कि पश्चिमी समाज में लोग जो है कम कपड़े पहनते हैं, भारतीय समाज जो है इसको बुरा कहता है, लेकिन वहीं पश्चिमी समाज क्या कहता है, भारतीय समाज को, अरे ये पूरा ढककर रहते, कैसे रह लेते हैं। तो वो डिपेंड करता है कि समाज के अनुसार जो है लोगों की भूमिका बदलती रहती है, लोगों का नजरिया अलग होता है, तो वो एक अलग अलग सिचुएशंस होती है। विभिन्न समाजों में जो सामाजिक स्तरीकरण का स्वरूप है वो भिन्न भिन्न होता है, अर्थात यानी कि इसकी प्रकृति सार्वभौमिक होती है जो मैंने बताया, परंतु स्वरूप जो है जाति में परिलक्षित होता है और अन्य समाजों में वर्ग आदि में, यानी कि वर्ग और जाति में जो है ये पूरा स्तरीकरण का कॉन्सेप्ट छिपा हुआ है। यानी कि स्तरीकरण कुल मिलाकर जो है असमानता को सविस्तार प्रस्तुत करने की कोशिश करता है। अब हम लोग जानेंगे सामाजिक स्तरीकरण और विभेदीकरण के कॉन्सेप्ट को, कि इसके बीच जो अंतर है वो क्या है, स्तरीकरण क्या है और विभेदीकरण क्या है। सामाजिक स्तरीकरण के अंतर्गत जो है एक प्रकार के उद्देश्य को देखने को मिलता है। इसके अंतर्गत जो है कुछ विशेष परिस्थिति वाले व्यक्तियों को अधिक अधिकार, प्रतिष्ठा आदि प्रदान किए जाते हैं। जैसा कि हम देखते हैं कि अगर कोई आईएएस ऑफिसर है तो उसके पास अधिक अधिकार है, कोई मेयर है तो यानी कि वो पॉलिटिशियन है उसके पास अलग अधिकार है, यानी कि अधिकार के साथ जो है लोगों का व्यवहार भी बदलता रहता है। और इसके फलस्वरूप क्या होता है, लोग जो है जानबूझकर जो है अलग व्यवहार करते हैं और वो असमानता को प्रस्तुत करते हैं, विभेदीकरण को पैदा करते हैं। यानी कि अगर स्तरीकरण है तो वो विभेदीकरण को जन्म देगा। सामाजिक विभेदीकरण के अंतर्गत विभिन्न व्यक्तियों और समूहों के बीच एक भिन्नता पाई जाती है, ऊंच नीच, अधीनता और हीनता की भावना पाई जाती है। इस दृष्टि से जो विभेदीकरण है एक तटस्थ प्रक्रिया है, यानी कि जो विभेदीकरण है वो दो समूहों के बीच में पाया जाएगा। जैसे कि
ब्राह्मण और शूद्र क्या है, आरक्षण की वजह से जो है ये प्रॉब्लम बढ़ती जा रही है, असमानता बढ़ती जा रही है। यानी कि अगर हम मान लें कि अगर आरक्षण ना होता तो कहीं ना कहीं सॉरी ये जो उच्च वर्ग है कहीं ना कहीं इस प्रकार की असमानता को नहीं देखा, और आज के आधुनिक युग में जो युवा है वो इस प्रकार की समस्या को ना फेस करते। आपको पता होगा, कोई एक्सेप्ट करे या ना करे, लेकिन हमारे जनरली हमारे समाज में जो है ये जो आरक्षण है हमारे रिश्तों में, हमारे दोस्तों में जो है दूरियां पैदा कर देता है, लेकिन जो परिपक्व है उनके बीच उनके रिश्तों में जो है किसी भी प्रकार की कोई भी प्रॉब्लम नहीं आती है। यानी कि विभेदीकरण जो है एक समूह के बीच में ही पाया जाता है। विभेदीकरण के जो आधार हैं वो स्पष्ट होते हैं, जिन्हें हम आसानी से समझ सकते हैं। यानी कि अगर हम किसी से बुरा व्यवहार करेंगे, किसी से विभेद करेंगे, किसी से अंतर रखने की कोशिश करेंगे, जैसे कि अरे भाई वो फलाना जो है बहुत गंदगी से रहता है, उससे दूर रहना, उससे बात कम करना, तो वो उसका आधार है गंदगी, विभेद करने का, है ना। बुरा हमने जो है इसको जो है अरे यार इससे बात मत करना, वो पढ़ता लिखता नहीं उसके साथ मत उठना बैठना। हमारे परिवार के लोग क्या कहते हैं कि जो पढ़ाई लिखाई करे उसी के साथ बैठो, जिसकी अच्छी संगत हो उसके साथ बैठो, बुरी संगत वाले के साथ मत बैठो। यानी कि संगति जो है यहाँ पर विभेदीकरण का आधार है, समझ रहे हैं। लेकिन स्तरीकरण के आधार जटिल हो सकते हैं। इसके आधार पर क्या हो सकता है, पारिवारिक प्रतिष्ठा हो सकती है, परंपरा आदि हो सकती है। जैसे कि आपको जो है इंटर कम्युनिटी विवाह नहीं कर सकते, एक ही जाति में विवाह करना है ना, एक ही धर्म में विवाह करना, ये क्या स्त्रीकरण। अब जैसे क्या होता है कि एक ट्रेंड चल गया है कि एक आईएएस जो है एक आईएएस से ही शादी कर ले रहा है, तो ये क्या सामाजिक स्त्रीकरण में आएगा, ये आपको बताना है। क्या जो ट्रेंड चल रहा है एक आईएएस ऑफिसर का एक आईएएस ऑफिसर से विवाह करना, क्या ये आगे चलकर सामाजिक स्त्रीकरण में कन्वर्ट हो जाएगा, या इसे अभी हम डाल सकते हैं, आपको ये कमेंट सेक्शन में बताना है। स्त्रीकरण के अंतर्गत जो है अपनी परिस्थिति को ऊंचा बनाने के लिए संघर्ष और प्रतिस्पर्धा की स्थिति चलती रहती है। लोग जो है मेहनत करते रहते हैं कि आज जो है मैं मेरे पिताजी गरीब हैं, मेरे पिताजी आज ऑटो चलाते हैं, तो उनका नाम रोशन करना है और इसके लिए मुझे आईएएस ऑफिसर बनना है ना, ऐसा होता है। तो यानी कि अपने स्तर को बेहतर करना है, यानी कि आज हम लो क्लास हैं तो कल हमको फर्स्ट क्लास में बनना है, अगर आज हम स्लीपर में चढ़ते हैं तो कल सैलरी पाकर जो है फर्स्ट एसी में चलना है। तो ये क्या है, स्त्रीकरण है कि नहीं। यानी कि हम जो है प्रतिस्पर्धा के माध्यम से जो है अपने आप को बेहतर बना रहे हैं। कॉम्पिटिशन ना होता तो क्या स्त्रीकरण जो है वो सफल हो पाता, नहीं हो पाता। यानी कि हर कोई अपने स्तर को अच्छा करना चाहता है, कोई ये नहीं चाहता कि वो गरीब है तो वो गरीब रहे, नहीं कोई नहीं चाहता, हर कोई चाहता है कि मुझे जो है बेहतर से बेहतर सुविधाएं मिले, मैं भी एसी में रहूं, मेरे पास भी फोर व्हीलर हो। यानी कि हर कोई जो है कंपटीशन के दौर से गुजर रहा है और अपने आप को बेहतर बनाने की कोशिश कर रहा है, और यही तो विभेद पैदा करता है। जैसे कि दो दोस्त हैं तैयारी कर लें और एक आईएएस बन जाए एक ना बने, तो एक को दुख होगा कि नहीं होगा, अरे यार मेरे साथ ही तैयारी करता था वो बन गया लेकिन मैं नहीं बन पाया, दोनों ने साथ ही में इंटरव्यू दिया लेकिन उसका हो गया मेरा नहीं हुआ। तो ये क्या है, स्त्रीकरण है जो विभेदीकरण को बढ़ावा दे रहा है। विभेदीकरण जो है स्त्रीकरण की तुलना में अधिक प्राचीन है। यानी कि ये जो विभेद का जो कॉन्सेप्ट है, बताया ना कि पहले असमानता थी तभी तो स्त्रीकरण आया, कि अब जो है भैया इसी कल्चर में इसी में तुम्हें विवाह करना है, इस ऐसी अपनी ही जात की लड़की से शादी करना, ये तो स्त्रीकरण है। ये क्यों आया, क्योंकि लोगों ने कहा कि अरे यार वो छोटी जात है वो बड़ी जात है उसमें विवाह नहीं कर सकते, तो उसी वजह से एक स्तर मेंटेन हो गया। नहीं तो अगर ये जो अगर बिहेव अगर इतिहास में ना हुआ होता तो क्या ये स्त्रीकरण आता, नहीं आता। यानी कि स्त्रीकरण की उत्पत्ति के पीछे कहीं ना कहीं विभेदीकरण असमानता जो है वो जिम्मेदार है कि नहीं जिम्मेदार। तो आपको ये सब बताना है कि आपको ये जो बातें मैंने बताई सामाजिक स्त्रीकरण और विभेदीकरण, और खासकर जो हमारा यूनिट ही है सामाजिक स्त्रीकरण, इसमें बहुत सारे विचारकों को हम लोग पढ़ेंगे, उनका क्या मानना है, उनके क्या विचार हैं, उन्हें जानने की कोशिश करेंगे हम लोग।
तो उम्मीद करता हूँ कि ये जो यूनिट जो शुरू हुई है उसका जो कॉन्सेप्ट है वो आपको समझ में आया होगा। फिर भी कोई भी डाउट हो, कोई भी प्रॉब्लम हो तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। तो मिलते हैं अगली वीडियो में जल्द ही। जय हिंद टू ऑल ऑफ यू।